बहुत स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि हमने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया या फिर एनी अदर कोई भी मीडियम ले लो इंग्लिश से नहीं गया है आ, सो फिर उनके सॉल्यूशन के लिए मैं कुछ ये बता रहा हूँ आपको आप अच्छे से सुनिएगा मैं खुद पहले अपनी बात बताने जाऊँ तो फिर मैंने खुद गुजराती मीडियम से ही पढ़ाई की है जो भी मेरा ट्वेल्थ स्टैंडर्ड था तब तक मैंने आ, आ, अपने गुजराती मीडियम से ही किया था सब कुछ Uh, मुझे शुरू से था मुझे इंग्लिश में इतनी प्रॉब्लम कभी नहीं थी जो मुझे मतलब जो बेसिक एक इंग्लिश होती है वो मुझे आती थी नॉर्मल किसी से हल्के फुल्के बातचीत करना वगैरह वो सब मुझे आता था बट थोड़ी बुक की जो लैंग्वेज होती है तो वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है तो उसके लिए मैंने क्या किया था जो मेरी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की गुजराती मीडियम की जो बुक्स थी उन्हीं को मैंने उनका इंग्लिश वर्ज़न लिया दोनों -दो को कंपेयर किया था और उनके कंपेरिज़न करके मैंने सीखा अच्छा Uh, इस चीज़ को ऐसा बोलते हैं इस चीज़ को ऐसे इस तरीके से बोला जाता है तो फिर वो सब मैंने सीखा था वो सब मैंने ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के मेरे जो वैकेशन था उस वैकेशन में किया था उसके बाद मैंने अपना तो सी ए फाउंडेशन स्टार्ट किया था डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम्स में स्टार्ट किया था तो फिर इसमें क्या होता है ना कि बहुत लोगों को आ, बिल्कुल भी नहीं आता मतलब जैसे कि वो ऐसा होता है ना कि ट्वेल्थ तक तो किसी और मीडियम से पढ़ लिए उनको इंग्लिश इतनी स्ट्रांग होती नहीं है तो अब वो क्या करें आप हिंदी मीडियम से करें या फिर सी ए इंग्लिश मीडियम से करें सी ए दो लैंग्वेजेज़ में किया जा सकता है या आप हिंदी मीडियम से भी कर सकते हो इंग्लिश मीडियम से भी कर सकते हो बट आप इंग्लिश मीडियम से करो तो थोड़ा सा आ, बेटर रहता है क्योंकि हिंदी मीडियम थोड़ा सा ऐसे आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप हिंदी मीडियम हिंदी में जैसे कंफर्टेबल हो तो फिर अभी एक बार आई सी आई की पोर्टल पर बुक्स हैं उन बुक्स को आप चेक कर सकते हो कि आपको आ, आप थोड़े कंफर्टेबल हो या नहीं उस पर तो फिर वो आपको पता चल जाएगा बट आपको करना क्या है hmm. आपको सबसे पहले यही एक वो चेक करना होगा आप समझ में आ रहा है कि आपको इंग्लिश इंग्लिश जो भी होगा ना आप वो इफ आप देख सर जैसे आप सी ए फाउंडेशन में एंटर हो रहे हो तो सी ए फाउंडेशन के करते करने के पहले आपको क्या करना है आई सी आई की ऑलरेडी बुक्स फ्री में अवेलेबल है उनकी वेबसाइट के ऊपर अब जब आप ये चेक कर सकते हो और वहाँ पर जाकर एक बार देखिए कि आपको वो समझ में आ रहा है इतना हार्ड तो नहीं हो रहा है सी ए फाउंडेशन आपको समझ तो आ ही जाएगा बट uh, देखा जाए अगर आपको इंग्लिश मीडियम में ही करना है सी फाउंडेशन आपको इंग्लिश वर्जन में करना है तो आप uh, क्या करेंगे hmm, आपको थोड़े से महीने ज़्यादा लेने चाहिए जैसे कि देखिए कि आपके मार्च में या मार्च में आपके बोर्ड्स फिनिश हो रहा है तो फिर आपको सबसे पहले थोड़ा सा इंग्लिश सीखना चाहिए और मे uh, बी आप देखिए जैसे कि टू चल रहा है तो आप जो भी अभी आगे का कोई आएगा अभी तो देखिए जैसे कि uh, टीम तीन बार एग्जाम हो रही चाहिए फाउंडेशन के साल में तो फिर सितंबर में एक अटैम्प्ट आएगा और दूसरा आएगा जनवरी में आप मेरे ख्याल से अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो फिर आपको जनवरी का अटैम्प देना चाहिए क्योंकि तो तब तक आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो गई होगी जैसे कि देखिए आपको एक अच्छा सा गैप होना चाहिए छः महीने ले रहे हो या फिर मे बी सात महीने आठ महीने ऐसा कुछ भी हो सकता है आपको वही करना है कि आपको जितना कंफर्टेबल लगे कि हाँ मुझे दो महीने तीन महीने चार महीने लग जाएंगे इंग्लिश सीखने में तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मेरे हिसाब से लेना चाहिए क्योंकि आप कम टाइम में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे क्योंकि लैंग्वेज जब चेंज करते हैं तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है तो फिर आपको क्या करना चाहिए अगर आप दूसरे मीडियम से हो और आपको अगर इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लीजिए और वे भी, भी हो सकता है आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हो सके तो आप गूगल ट्रांसलेट जो एप्लीकेशन होती है आप उसकी हेल्प भी ले सकते हो और uh, जिसकी मे बी uh, लॉ ही ऐसा कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें मे भी आपको गूगल ट्रांसलेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी बट आपको एक फ़ोन तो ला के रखना पड़ेगा जिसके अंदर गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड करके आप उस पर देखो जो भी ऐसे आपको वर्ड समझ नहीं आ रहे या पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहे तो आप उसका ऐसा फोटो खींच कर उसका ट्रांसलेशन देख सकते हो तो फिर मैंने तो इसी तरीके से इंग्लिश थी, थी बुक की जो इंग्लिश थी वो वाली तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो मैंने अपना सी फाउंडेशन फर्स्ट अटम्प में क्लियर किया है मैंने भी 12 तो भी ट्वेल्थ तक तो गुजरात मीडियम से स्टडीज की थी ट्वेल्थ uh, तो मतलब हो जाता है ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते आराम से हो जाता है मैंने तो बहुत ही आराम से कर लिया था मैंने तो एक और भी ऊपर से वो वीडियो बना के रखा कि मैंने लॉ जैसा जो सब्जेक्ट है वो ट्वेंटी फोर टाइम्स क्यों रिवाइज़ किया था ये इसमें ये भी एक रीज़न है कि मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आ रही थी इसलिए मुझे लॉ के रिविजन कम्पेरेटिवली काफ़ी ज़्यादा करने पड़े थे आप भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है तो फिर अभी अच्छे से आप देखिए आपको जैसा भी कंफर्टेबल लगे आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हो या हिंदी मीडियम से करना चाहते हो पर आपको अगर इंग्लिश मीडियम से करना है तो आप थोड़ी सी थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा से, से कमांड बैठ सके कि आपको जैसे वो होता है ना अकाउंट्स में भी, भी होता है डेबिट क्रेडिट वगैरह किस तरह से वो समझना वगैरह क्योंकि वर्ड्स चेंज हो जाएंगे अतः आपको आता तो सब कुछ है पर बस वो वर्ड्स वर्ड्स चेंज हो जाएंगे जैसे तो होता है ना कुछ हिंदी में किसी को कुछ और ही बोलते हैं इंग्लिश में उस सेम वर्ड को किसी और तरीके से बोला जा रहा है पर उसकी एंट्रीज तो सेम ही होंगी ना तो खर्चा होगा वो तो डेबिट में ही जाएगा इसी तरीके से आपको बस वो सीखना है कि कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा दिक्कत होनी भी चाहिए आप थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे बस यही था अगर ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर किसी को जरूरत हो तो फिर शेयर कर लीजिएगा थैंक यू सो